दोस्तों, इस वीडियो में कौन कौन से जिलों से चौकीदार बहाली, जेएसएससी के द्वारा निकाले गए सभी बहाली तथा जेपीएससी के द्वारा निकाले गए सभी बहाली के बारे में बात करने वाला हूं, तथा इसके नोटिफिकेशन कैसे और कहां से प्राप्त करें, इसका अप्लाई डेट और लास्ट डेट क्या होने वाला है, सभी के बारे में एक एक करके जानने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी जॉब रिलेटेड वीडियो सही और सटीक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम सभी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट में निकल कर आई है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, यहाँ पे चौकीदार बहाली जो निकल कर आई है लातेहार ज़िले से 100 पदों में निकल कर आई है, 10वीं पास वैकेंसी है और 18 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। अभी तक लातेहार के जो भी स्टूडेंट नहीं डाले हैं तो इस वैकेंसी को डाल दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और दोस्तों, जिसका यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है वो अपना जाति को जरूर लगाएंगे तभी वो अपना कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। और निवासी दोस्तों आपका यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों लातेहार का जो स्टूडेंट है वही इस वैकेंसी को डाल पाएंगे, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से चौकीदार बहाली निकल कर आई है जिसमें 95 पोस्ट है, इसका भी 10वीं पास योग्यताएँ हैं और 17 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो भी स्टूडेंट हैं अभी तक नहीं वैकेंसी को डाल पाए हैं तो वैकेंसी को डाल दें। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से चौकीदार बहाली का निकल कर आई है जो 290 पदों में है और इसका लास्ट डेट 12 अगस्त 2024 तक है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं वो आवेदन को जल्द से जल्द कर दें अन्यथा फिर लास्ट डेट निकल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से 163 पदों में निकल कर आई है चौकीदार बहाली, इसका भी योग्यताएँ 10वीं पास हैं और 14 अगस्त तक लास्ट डेट दिया हुआ है, तो लास्ट डेट से पहले आप इस वैकेंसी को जल्द से जल्द भर दें। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे दुमका जिला से चौकीदार बहाली जो निकल कर आई है 362 पदों पे है, इसका योग्यताएं 10वीं पास है। लास्ट डेट का बात करें तो दोस्तों 19 अगस्त तक इसका लास्ट डेट दिया हुआ है, तो जो भी दोस्त इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो आप कोर्स भरें। इसमें कैटेगरी वाइज आपका यदि सीट नहीं दिया हुआ है तो जनरल का सीट खाली है, आप जनरल का सीट से यहाँ पे जॉब को ले सकते हैं, तो इसलिए वैकेंसी को अवश्य डालें। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे झारखंड टेट 2024 जो 8 साल बाद निकल कर आई है, अभी तक झारखंड में 2 ही बार टेट का एग्ज़ाम लिया गया है तो तीसरा बार यहाँ पे लेने जा रहा है झारखंड सरकार, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यहाँ 22 अगस्त 2024 तक ही लास्ट डेट दिया हुआ है, अभी तक आपने आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कर दें क्योंकि झारखंड का सर्वर इतना ख़राब रहता है कि दोस्तों आपका लास्ट डेट से 2 दिन 3 दिन पहले ही आपका सर्वर क्रैश हो जाता है और ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन नहीं के बराबर हो पाता है, इन चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा निकल कर आई है जो कि 510 पदों में है, इनकी योग्यताएं 10वीं पास है और लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 31/8/2024 31 अगस्त तक लास्ट डेट दिया हुआ है, तो अभी तक आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कर दें। और इन वैकेंसी के बारे में अधिक आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इन वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और इनका आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट, क्या फ़ी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, झारखंड में और भी वैकेंसी था जिसका यहाँ पे आवेदन चल रहा था जो कि लास्ट डेट 10 अगस्त तक ही था, तो आवेदन की प्रक्रिया का जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है, अब आवेदन उन वैकेंसियों का नहीं हो सकता है। अभी वर्तमान में हम जितने वैकेंसी के बारे में आपको बताएं इतना वैकेंसी का आवेदन प्रक्रिया अभी तक चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपना वैकेंसी को सेलेक्ट करके आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द कर दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे और सरकारी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।